सोलन में पिछले कल एक साथ 73 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, जिसमें परवाणु, बद्दी, सोलन, कंडाघाट से लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। एक साथ इतने मामले पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग भी सख्ती में आ गया है। ये संक्रमण ज्यादा ना फैले, इसके लिए संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों की सूची बनाई जा रही है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग को सबसे ज्यादा चिंता परवाणु के कोरोना पॉजिटिव मामलों पर हो रही है, क्योंकि ये मामले ईएसआई अस्पताल में हैं, जिसमें कुछ कर्मचारी और वहां भर्ती रोगी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। परवाणु का ईएसआई अस्पताल भी फिलहाल सील किया गया है और उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि पिछले कल सोलन शहर में कंडाघाट में 3-8 परवाणु और बाकी बद्दी से कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने बताया कि परवाणु ईएसआई अस्पताल के 5 कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं, वहीं इसी अस्पताल में भर्ती 3 रोगी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने बताया कि सोलन में कम्युनिटी स्प्रेड होने के साफ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे भी गंभीर बीमारियां देश में हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में केवल एहतियात रखने की आवश्यकता है। अगर हम सभी नियमों की पालना करते हैं तो हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। ऐसा है कि कल 73 केसेस टोटल बीबीएन एरिया और सोलन के मिला के आए हैं, जिसमें से 1 सोलन प्रॉपर का है, 3 कंडाघाट के हैं और 8 हमारे परमाणु के हैं। तो बेसिकली तो ये ऑलमोस्ट हमारे क्वारंटाइन ही थे, पर जो परमाणु के हैं उसमें 8 में से 5 लोग तो हमारे ईएसआई परमाणु के जो कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और 3 जो थे उनके ये जो पेशेंट्स थे नॉर्मल वो पॉजिटिव पाए गए। नहीं, ये जो सोलन का है ये माइग्रेटेड बंदा था, इसकी हिस्ट्री बाहर की ट्रेवल की है और ऑलरेडी हमारे क्वारंटाइन सेंटर में था, तो हमारी जो रूटीन सैम्पलिंग है उसी में था। नहीं, अभी ऐसा कि कम्युनिटी स्प्रेड तो हो गया है, पर अब इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं तब आ रहा है, अब बाकी भी इतनी बीमारियां हैं जिनकी जो कि इससे भी खतरनाक हैं। सिर्फ आप लोगों ने कुछ नहीं करना, अपने को मास्क लगा के रखना है और आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर निकलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है और सोशल डिस्टेंस बना के